पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब वाकई में बॉलीवुड सिनेमा की औकात बदलने वाली है। किसमें? मासी राउडीनेस ब्लडीनेस ब्रूटैलिटी में जो खून खराबा, मतलब एक्शन के मामले में जो फाड़ के मिलने वाला है इस बार, भाई ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी करा भी नहीं होगा। नो डाउट कि इस साल एक्शन मूवी की कोई कमी नहीं है। ब्लॉकबस्टर मूवीज है, पठान आई, जवान आई, लेकिन भाई एनिमल मूवी जब ये आने वाली है 1 दिसंबर को, जब ये फटेगी भाई सालों साल ये मूवी याद रखी जाएगी। और ये वन टाइम वॉचेबल मूवी नहीं होगी, ऐसी मूवी होगी जिसे बार बार देखने का मन करेगा और जब भी ये चलेगी देखा जाएगा। भाई ट्रेलर आया है, सॉलिड ट्रेलर आया है और जबरदस्त आया, मतलब संदीप रेड्डी वांगा की, जब मैं ये ट्रेलर को देख रहा था उसके वो शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे जब उसने बोला था कि मासी एक्शन मूवी क्या होती है, मैं उसकी औकात बता दूंगा। बाय गॉड ये बंदा यार बॉलीवुड में फाड़ने वाला है, बिल्कुल फाड़ने वाला है। शुरुआत करेंगे ट्रेलर कैसा है कैसा नहीं है, कितनी ब्रुटैलिटी, कितना खून खराबा, कितना कुछ यहाँ से इमोशन, लव, रोमांस और रिलेशन। भाई साहब बाप बेटे का रिलेशन बहुत ही जबरदस्त, मतलब एक टाइम पे हमें एंकरनेस देन सडनली चेंज इमोशन, बहुत कुछ मिलने वाला है। मूवी की रन टाइम 3 घंटा 21 मिनट है और ये वाकई में फुल इंगेजिंग होने वाली है। ट्रेलर बहुत बहुत सॉलिड है, सभी चीज़ों पर एक एक बात करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब, जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब सच में बॉलीवुड सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाली है, क्योंकि इस साल ऐसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आई हैं और उसके बावजूद एनिमल मूवी ये सिर्फ ना कि मैदान में उतरेगी और अपनी जगह अलग से बनाएगी, ना कि सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा में बल्कि लोगों के दिलों में भी। भाई साहब मैसिव राउडी एंड ब्रूटैलिटी, खून खराबा, ब्लडीनेस, जितना सब कुछ इसमें मिलने वाला है बहुत खोल के मिलने वाला है विदाउट फिल्टर। होता यह है कि फिल्टर के साथ में बहुत कुछ दिखाया जाता है, क्योंकि मूवी को भी ए रेटिंग मिल गई, इट मीन्स ये कि एडल्ट कॉन्टेंट किसी भी हद तक ये मूवी जा रही है। बाय गॉड हमें ट्रेलर में ही बिल्कुल यार डायरेक्टर की विजन क्या है बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है। व्हाट अ नेक्स्ट लेवल विजन है, आप एक ही कंटेंट में इमोशन डाल रहे हो, एक ही कंटेंट में लव स्टोरी लव रोमांस का तड़का डाल रहे हो, देन आप उसको हीरो भी दिखा रहे हो और उसी को विलेन के रूप में भी साबित करना चाहते हो, मतलब उस बंदे की कोई भी सीमा नहीं है। सही में यार इस मूवी का नाम एनिमल बहुत ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि एनिमल के पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं और रणबीर कपूर भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता नज़र नहीं आ रहा है। बाय गॉड बाप के साथ जितना ब्रूटल हो सकता है वो हो रहा है, क्योंकि जब ट्रेलर की स्टार्टिंग हुई थी तो बाप से ऐसे लाउडर आवाज में कौन बात करता है यार, वो भी एक अमीर घर का बेटा, तो किस पापा सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं। हद लेवल की राइटिंग होने वाली है, किस हद लेवल की स्टोरी होने वाली है इसमें, वो ट्रेलर देख कर ही पता लग रहा है। उसके बाद एक्शन, तो भाई एक्शन की तो मैं क्या ही बोलूँ, एक्शन मास मसाला इसकी तो कोई कमी नहीं है। मतलब ठीक है VFX एंड कुछ एक चीज़ों का विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल है, लेकिन उस हद तक नहीं है। मार काट ऐसे वाला भाई बहुत खून खराबा देखने को मिलेगा इस मूवी में, बहुत भर भर के। दूसरा रणवीर कपूर का भाई साइकोटिक बैडएस कैरेक्टर होने वाला है बिल्कुल, जिसके पास ना कोई रूल्स है ना रेगुलेशंस है, मतलब रश्मिका मंदाना जिसके लिए हमें अपने एक आध सॉन्ग में ही देखने को मिला कि उसके लिए भाई कितनी हद तक जा रहा है ये बंदा अपने प्यार के लिए, देन उसी का गला पकड़ के ऐसा ब्रूटल होना, तो आप समझ सकते हो भाई ये जानवर ही है, पूरा जानवर वाला कैरेक्टर, व्हाट अ एक्टिंग भाई, रणबीर कपूर खा जाएगा बाय गॉड। दूसरा एक चीज़ यार इस मूवी में डेफिनेटली रोल आने वाली है, कौन सी यार, बाप बेटे का रिलेशन। भाई साहब पहले देखो जब बेटा छोटा था तो बाप के पास टाइम नहीं था, अब जब बेटा बड़ा हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाप के बस में नहीं है, तो ये सब चीज़ें वो एक रिलेशन टिपिकल रिलेशनशिप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उभर के आने वाली है। मतलब रणबीर कपूर का अपने फादर के लिए एक लव एंगल अलग ही होगा जो हमें देखने को भी मिल रहा है, कि डायलॉग्स कितने अग्रेसिव हैं यार, पूरा खुल के डायलॉग जो एक बार के लिए गली नुक्कड़ में हमें सुनने को मिलते हैं, क्योंकि फिल्म लाइन में या फिर बॉलीवुड लाइन में मैंने ही नहीं देखा कि ऐसे डायलॉग्स, हाँ वेब सीरीज में इस्तेमाल करे जाते हैं एडल्ट कंटेंट जो हो जाते हैं, लेकिन भाई बॉलीवुड की मूवी में विदाउट फिल्टर इतना सब कुछ, मज़ा तो आने वाला है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। उसके बाद म्यूजिक, म्यूजिक ने जो आग लगाई है,
टाइम टाइम पर ऐसे हाई गूज़बम्स देना जहां पर लाउडर म्यूजिक, एक्शन में लाउडर म्यूजिक, सडनली म्यूजिक चेंज हो रहा है, आपको सीधा इमोशनली टच कर रहा है भाई, पूरा इमोशन निकाल के दे रहे हैं। फैमिली की जो वैल्यू होने वाली है इसमें, मतलब परिवार को जोड़ के रखने के लिए भी, परिवार के लिए किस हद तक लड़ने वाला है ये बंदा, वो सब कुछ इसमें भर भर के मिलने वाला है। दूसरा यार विलेन बॉबी देओल, क्या लग रहा है ये बंदा भाई, विलेन की जो हद पार करने वाला है ना, मतलब देखो जानवर अपना हीरो तो अपना एनिमल है ही, उसके ऊपर जो विलेन ला रहे हैं वो उससे भी नेक्स्ट लेवल है। तो ये चीज़ जो उनका जो कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी ना, बिल्कुल बैलेंसिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस साल भाई विलेन और हीरो का जो कॉम्बो बैठा रहे हैं डायरेक्टर लोग, वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर ये चीज़ सफल हो गई यहाँ पर, बॉबी देओल ने फुल टक्कर दे दिया, तो भाई मूवी को ना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और ये मूवी बाप लेवल का कॉन्टेंट लेके चल रही है, बाप लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, लव स्टोरी में फाड़ने वाला है। लव स्टोरी मतलब बॉलीवुड जो रोमांस, रोमांटिक ये सब चीज़ के लिए जाना जाता है, बॉलीवुड जो प्यार हमारी फैमिली लव बॉन्ड के लिए जाना जाता है, वो सब कुछ इसमें मिलने वाला है। दूसरा एक्शन तो इसमें मिलने ही वाला है भाई साहब, एंडिंग कितनी सुपर डुपर करी है यार, मतलब भाई साहब ऐसा कौन विजन लाता है यार, संदीप रेड्डी वांगा मतलब क्या ही लेवल की इसकी विजन है। आप क्या कहते हैं, हीरो के ऊपर विलेन को ऐसे लिटा के ऐसे सिगरेट जलवा रहे हो। नेक्स्ट लेवल विजन है और जबरदस्त सीन देखने को मिला है। तो भाई ट्रेलर मैंने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया तो जरूर बता के जाना अपना एक्सपीरियंस। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।